तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होते हैं। दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जाने की, वो देश जो है उत्तर यूरोप के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है नॉर्वे। हाँ दोस्तों, उत्तर यूरोप के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है नॉर्वे। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ ये करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश के जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इनके साथ रिश्ता कैसे, क्या क्या व्यापार होते, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल के साथ कहेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर, असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है जहां पर साल में 8 महीने ये देश जो है बर्फ के नीचे रहता है, और ये देश एक ऐसा देश है साल में 2 महीने यहाँ पर सूर्य को दिखा जाता है और 2 महीने यहाँ पर सूर्य को नहीं दिखा जाता है, और रात के आकाश पर जो है यहाँ पर ग्रीन लाइट दिखा जाता है। तो दोस्तों इसका रहस्य क्या है, हम एक एक करके सब कुछ आपको डिटेल साथ कहेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, उत्तर यूरोप के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है नॉर्वे, जो पृथ्वी के अंदर जो है 61 नंबर सबसे बड़ा देश, देश का नाम जो है नॉर्वे, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 385.207 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा, असल में देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों उत्तर में जो है बेरेंट्स सागर, पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर, दक्षिण में जो है दक्षिण सागर, और पश्चिम में जो है 3 देश है स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। आपको नजर आ रहा है लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जगह का नाम जो है नॉर्वे। हाँ दोस्तों, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जगह का नाम जो है नॉर्वे आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी ओस्लो। हाँ दोस्तों, ये देश की राजधानी ओस्लो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और राजधानी से थोड़ा दूर जो है ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और राजधानी के बिल्कुल साइड में जो है मौजूद है ये देश की एक पोर्ट सिटी। हाँ दोस्तों, ये देश की पोर्ट सिटी। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो यहाँ पर जो है नॉर्वेजियन भाषा यहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा यहाँ पर सामी भाषा यहाँ पर बहुत सारा लोग जो है यूज करता है। तो दोस्तों धर्म की बात करें तो ये देश का धर्म जो है क्रिश्चियन, ये देश की धर्म है। हाँ दोस्तों, 74.9% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के यहाँ पर लोग रहता है। इस्लाम जो रहता है यहाँ पर 3.1%, और द्वितीय बड़ा सुन्नी धर्म है। तो दोस्तों पानी की बात करें तो 5.32% यहाँ पर पानी है, और पैसा की बात करें तो नॉर्वेजिया क्रोन इस देश की पैसा। हाँ दोस्तों, नॉर्वेजिया क्रोन इस देश की पैसा है। तो दोस्तों आज के डेट में इस देश की जो है राजा, जिसका नाम जो है 5वां हराल्ड, और इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम जो है जोनास गहर स्ट्रोवी, और इस देश की मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रिक विंग, उसका नाम जो है मासूद घरघानी। तो दोस्तों आज के डेट में इस देश का जो है चीफ जस्टिस, उसका नाम जो है तोरिल मारी। तो दोस्तों इन सभी का इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कौन कौन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पोर्ट सिटी में आपको दिखा दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की राजधानी में मौजूद है इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, इंडिया दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इंडियन दूतावास बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश का जो है संविधान लागू हुआ है 1840 में ये देश का संविधान लागू हुआ है, और 7 जून 1905 में जो है घोषणा हुआ है ये एक स्वाधीन देश है जो स्वीडन यूनियन से। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है एक ऐसा देश है जो अंटार्कटिका की 3 हिस्सा जो है वो देश अपना मानता है। हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका की 3 हिस्से को जो है ये देश अभी तक अपना मानता है, और ये देश का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है एक ऐसा देश, देश का नाम जो है स्वीडन। हाँ दोस्तों, स्वीडन से ये नॉर्वे स्वाधीन हुआ है, और स्वीडन जो है इसका सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश का जो सीमा लगता है स्वीडन के साथ 1619 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश पहले डेनमार्क का हिस्सा था, बाद में जो है ये स्वीडन का हिस्सा है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ये देश एक ऐसा देश था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया। हाँ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ये देश को जो है जर्मन ने जो है यहाँ पर दखल करके रखा था। हाँ दोस्तों, फिर जो है ये देश स्वीडन के पास आया है, और स्वीडन से जो है ये देश स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों ये देश नाटो का सदस्य है, लेकिन ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, और ये देश में जो है बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपद मौजूद है। तो दोस्तों 2017 में जो है, हाँ दोस्तों 2017 में जो है ये देश के ऊपर एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है विश्व का सबसे सुखी देश जो है ये देश। यहाँ पर देख लीजिए पाकिस्तानी
ये हमारे दूतावास आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पाकिस्तान के दूतावास इस जगह पर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा पाकिस्तान के दूतावास जो है इसी जगह पर मौजूद है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2017 में जो है एक रिपोर्ट के अनुसार ये देश जो है विश्व का सुखी देशों के अंदर ये देश है। यहाँ पर अपराध बहुत ही कम होता है और इस देश में जो है यहाँ पर पोलैंड के इंसान सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद लिथुआनिया, सोमालिया, यहाँ पर जो है पाकिस्तानी, यहाँ पर जो है स्वीडिश, यहाँ पर निवासी सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है जो यहाँ पर 19 राज्य है, लेकिन यहाँ पर ये 19 राज्य में जो है यहाँ पर तेल का भंडार बहुत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देश में जो है एक साल में 8 मंथ ये देश बर्फ़ के नीचे रहता है। हाँ दोस्तों, बर्फ़ ज़्यादा गिरता है और साल में जो है 2 मंथ यहाँ पर सूर्य यहाँ पर दिखा नहीं जाता है। 21 नवंबर से 21 जनवरी तक जो है यहाँ पर आकाश में एक ग्रीन लाइट हमें देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, आसमान में जो है यहाँ पर ग्रीन लाइट हमें देखने को मिलता है और यहाँ बहुत सारा लोग इसे कहता है डार्क पीरियड। हाँ दोस्तों, और एक साल में 2 मंथ जो है इस देश में सूर्य अस्त नहीं होता है। हाँ दोस्तों, सूर्य अस्त यहाँ पर नहीं होता है 2 मंथ साल में, लेकिन 21 मई से 21 जुलाई तक जो है यहाँ पर इस देश के इंसान इसे कहता है मिडनाइट सन। हाँ दोस्तों, मिडनाइट सन यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे, जो यहाँ पर मैं स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राजधानी से थोड़ा दूर है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है क्योंकि रात 2 बजे में जो है इस देश में जो है सूर्य देखा भी जाता है। तो दोस्तों ये देश रिश्ता नहीं रखता ऐसा कुछ। अगर हम देश देखें तो दोस्तों आपको नजर में आ जाएंगे वो जो है ताइवान, सहारा यूरोप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और फिलिस्तीन। तो दोस्तों इंडिया और नॉर्वे का जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1947 से रिश्ता स्टार्ट हुआ है। इंडिया की जो एम्बेसी ये देश की राजधानी ओस्लो, इसके अलावा जो है बर्गेन, ट्रॉनहाइम, और ये देश एक ऐसा देश है जिसका राजदूत इंडिया की न्यू दिल्ली में तो मौजूद है, इसके अलावा चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई भी मौजूद है। तो दोस्तों नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया है और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मुलाकात किया है 4 फरवरी 2010 में न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुआ है। तो दोस्तों 2013 में जो है एक मीटिंग हुआ है, 13 चुक्ति हुआ है इस देश के साथ, क्योंकि ये देशों के साथ इंडिया जो है और भी व्यापार बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस देश की पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं और इस देश की नेशनल एंथम हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको नज़र में आ जाएंगी देश की नेशनल एंथम और इस देश की जो है आपको नज़र में आ जाएंगे रॉयल एंथम। इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया हूँ और इस देश के ऑफिशियल नाम बहुत सारा भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है ऑफिशियल नाम। तो दोस्तों इसकी कैपिटल और सबसे बड़ा शहर ओस्लो। हाँ दोस्तों, राजधानी ओस्लो। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर देख लीजिए नॉर्वेजिया और सामी। इसके अलावा धर्म की बात करें, देश जो है क्रिश्चियन जो एक देश है, 74.9% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस देश की राजा जो है, इस देश के प्रेसिडेंट और इस देश के चीफ जस्टिस और इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करो तो 5.32% और यहाँ पर टोटल जीडीपी देख लीजिए 504 बिलियन ए देश की टोटल जीडीपी। कारण से देख लीजिए नॉर्वेजिया स्क्रोन। इसके अलावा इस देश की जो है आपको नज़र में आ जाएंगे कॉलिंग कोड फ्लास 47 इस देश की कॉलिंग कोड। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 55 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन है और इंडियन जो रहता है यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाऊंगा और ग्लोबल मैप दिखा के मैं आपको बताऊंगा ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। आपको नज़र में आ जाएंगे ग्रीन हिस्सा। इसके अलावा ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देश कौन कौन से जगह को जो है क्लेम करता है जो वो अपना हिस्सा है, आपको नज़र में आ जाएंगे। लाल हिस्से जो जगह आपको नज़र में आ जाएंगे वो सारे हिस्से को जो है ये अपना मानता है। हाँ दोस्तों, नॉर्वे जो है अपना मानता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको और एक मैप दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पास का जो जो जगह यहाँ पर आपको रेड नज़र आ जाएंगे और रेड कलर की हिस्सा जो है ये देश अपना मानता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो फाइटर जेट वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों 2013 में जो है इंडिया के साथ जो है एक व्यापारिक चुक्ति हुआ है, 13 ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। नॉर्डिक कंट्री के साथ जो है इंडिया रिश्ता बनाना चाहता है और नॉर्डिक जो कंट्री है 5 नॉर्डिक देश है, जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये देश नॉर्वे और स्वीडन। ये देख लीजिए देश की जो है पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, इंडिया के साथ जो है दोनों देश के बीच व्यापार कह सकते हो सबसे ज़्यादा होता है और 2010 में जो है एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे से इंडिया जो सामान खरीदा है वो जो है $268.68 मिलियन और नॉर्वे इंडिया से जो सामान खरीद रहा है उसका अगर मूल्य देखे तो दोस्तों $82.3 मिलियन की सामान। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की राजा, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश के प्राइम मिनिस्टर का इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देश की जो है चीफ जस्टिस उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, ये देश की जो चीफ जस्टिस उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा,
हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इस देश के राजा का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, इस देश के जो है पॉपुलर एक्टर उसका इमेज दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर एक्टर उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, आपने इनकी मूवी शायद देखी ही होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस देश के जो है पॉपुलर एक्टर एक एक करके उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत ही मूवी में इन्होंने काम किया है, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक करके, इस देश की बहुत सारा पॉपुलर एक्टर की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, इंडिया और ये देश के साथ जो रिश्ता बहुत ही गहरा है, आपको पता चलेगा ये सारी इमेज देख के। हाँ दोस्तों, हमारी प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का नजर में आ चुके। इसके अलावा इस देश में मौजूद है इंडियन एम्बेसी के होम मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2020 में जो है बेलारूस की मौजूदा प्रेसिडेंट को जो है ये देश मान्यता नहीं दिया है एक प्रेसिडेंट रूप से, क्योंकि ये देश मानता है यहाँ पर जो इलेक्शन में धांधली हुआ है, इसलिए जो है ये देश बेलारूस के जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको उसको जो है प्रेसिडेंट रूप से मान्यता नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये देश की जो है निवासी कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है? हाँ दोस्तों, ये देश की जो पॉपुलेशन कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है आपको नज़र में आ जाएंगे, जो जो देश यहाँ पर रेट आपको नज़र में आ जाएंगे उस देश में जो है इस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है। इस देश के फॉरेन रिलेशन की बात करें तो दोस्तों, मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, आपको नज़र में आ जाएंगे एक ग्राफ देख के, जो जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के साथ ये देश का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, जो स्थापित है उस देश के साथ से उतने अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हूँ उत्तर यूरोप के स्वाधीन देश, देश का नाम जो है नॉर्वे, जो पृथ्वी के अंदर जो है 61 नंबर सबसे बड़ा देश है, देश का नाम जो है नॉर्वे। और भी देश के संपर्क की तरह आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेलेगा इसको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।